गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक जो आपको पढ़ाया गया बेटा वो सब क्लियर है? क्यों बेटा? हाँ सर। मेरी 11 की होगी इसके बाद में। ये जो लोग आपस में समय में बातचीत कर रहे हैं, ये आपस में बातचीत ना करके टीचर से डायरेक्ट बात करें, हमसे बात करें और उसी सब्जेक्ट के विषय में बात करें, किसी सब्जेक्ट टीचर के बारे में मत बात करें। बात समझ में आई? ये मुफ्त सुविधा है और इसे बच्चों के लाभ के लिए किया जा रहा है, तो सभी की अपनी अपनी स्वेच्छा है पढ़ाने की, उनको फ्री में पढ़ाने की इच्छा नहीं है, हम लोगों को फ्री में पढ़ाने की इच्छा है, इसलिए कुछ क्लासें चल रही हैं, कुछ क्लासें बाधित हो रही हैं, तो इसमें आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते। तो हमने कहा जो हमने पढ़ाया था वो आप सबको समझ में आ गया बेटा? उसी के आगे हमने कहा था आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गॉस थ्योरम यानी कि एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सभी पढ़ने की आवश्यकता है। तो ध्यान से देखेंगे बोर्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इससे आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाई फाई ई। हम इसे फाई ई से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले एरिया वेक्टर जानेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या है। किसी भी समतल पृष्ठ के लंबवत, अब लंबवत दिशा में हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हो या फिर सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हो। डायरेक्शन आप किसी भी दिशा में ले सकते हैं, लेकिन वह दिशा उसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए। यानी जब भी हम किसी भी सतह का, पृष्ठ का या बंद पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकालेंगे तो हम उस सतह के लंबवत ही उस एरिया वेक्टर को लेंगे। और कहां पर लंबवत लेना है, अंदर की ओर, कहां पर बाहर की ओर और कहां पर सिर्फ बाहर की ओर, ये सभी टॉपिक आपको क्लियर करने में मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा कि टू डायमेंशन में कैसे हमको जानना है कि यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर होगा अंदर होगा, थ्री डायमेंशन में कैसे जानना है कि इसमें एरिया वेक्टर बाहर होगा या अंदर होगा। बात समझ आई? तो एक-एक चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। एरिया वेक्टर क्या है बेटा, समझ में आया? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी कि एरिया वेक्टर सदैव उस पृष्ठ के या उस सतह के लंबवत रहता है। तो हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमने बना लिया यहाँ पे एक डायग्राम, एक एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई की डायरेक्शन में, एक जेड की डायरेक्शन में। ये हमारी एक्सिस हो गई। क्या हो गई है? एक्स एक्सिस। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। बात समझ में आई? तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब सपोज दैट हमारा कोई यहाँ पर रेक्टेंगल रखा हुआ है या स्क्वायर रखा हुआ है, ये स्क्वायर जैसा लग रहा है तो हम इसको स्क्वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्क्वायर। सपोज दैट यहाँ इनके बीच में कोई एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें इस एरिया वेक्टर को ज्ञात करना है, इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला होता है
वेक्टर ए इज इक्वल एन कैप ए, वेक्टर ए इक्वल एन कैप ए, ये एरिया वेक्टर का सूत्र होता है। तो एन कैप का मतलब क्या है, एन कैप का मतलब है कि अगर आप एक्स की दिशा में हैं तो एक्स की दिशा में उसकी डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप वाई एक्सिस की दिशा में हैं तो उसकी डायरेक्शन को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम जेड एक्सिस पर हैं तो उसकी डायरेक्शन को हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्रत्येक एक्सिस का दो यानी पॉजिटिव अक्ष भी होता है और निगेटिव अक्ष भी होता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर हैं और कोई पृष्ठ रखा है तो अगर उसके पृष्ठ की डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है तो एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और एक इनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इसे समझाने के लिए हम एक बुक लेंगे, तो हमारे पास अगर ये बुक है तो ये बुक आपको दिख रही है, ये बुक एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस के अगर एरिया वेक्टर कोई पूछ रहा है तो ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका जेड एक्सिस है। तो इस प्लेन सरफेस का केवल दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो इसके लंबवत ऊपर की ओर या तो इसके लंबवत नीचे की ओर, इसके अतिरिक्त कोई डायरेक्शन नहीं होगी। फिर अगर हम इस बुक को इस प्रकार रख दें तो इस प्रकार रखने पर इसकी डायरेक्शन या तो बाहर की ओर होगी और या इसके पीछे अंदर की ओर, यानी कि एक बार आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक बार इनवर्ड डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर बेटा कि अगर हम किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं तो या तो उसमें 2D के लिए, सिर्फ ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ, 2D यानी 2 डायमेंशन के लिए अगर हम निकालना है तो उसमें या तो आउटवर्ड ले सकते हैं या तो इनवर्ड ले सकते हैं। बात समझ में आई, इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। मैंने मना किया बेटा विमलेंद्र कि आपको से बात नहीं करनी है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, आपस में बातचीत आप लोगों की निरंतर चल रही है, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपस में बातचीत मत करिए और क्लास पर ध्यान दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्लियर हो गया कि नहीं, कि अगर हमसे कोई पूछे एरिया वेक्टर क्या होता है तो हम सबसे पहले बताएंगे एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस, ये एक समतल पृष्ठ के लंबवत होता है और इसकी जो दिशा होती है वो एन कैप से रिप्रेजेंट की जाती है। तो एन कैप का मतलब क्या होता है, हम साफ साफ बताएंगे कि एन कैप किसी भी अक्ष के अनुदिश उस एरिया वेक्टर की ली गई दिशा है। अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ली जा रही तो या तो हम माइनस एक्स में जाएंगे या तो पॉजिटिव एक्स में जाएंगे, या तो निगेटिव एक्सिस में जाएंगे या तो पॉजिटिव एक्सिस जाएंगे, या फिर अगर हम वाई की डायरेक्शन में हैं तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं वाई में या तो फिर निगेटिव जा सकते हैं। ऐसे अगर इस डायग्राम को पूरा किया जाए तो ये हो गई इसकी निगेटिव एक्सिस, यानी ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया इसका निगेटिव वाई और ये हो जाएगा इसका निगेटिव जेड, यानी कि या तो हम जेड की डायरेक्शन में इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं, वाई की डायरेक्शन में या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे जा सकते हैं, और एक्स की डायरेक्शन में या तो राइट जा सकते हैं या तो लेफ्ट जा सकते हैं। बात सुन रहे हैं कि अगर हम एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं तो एरिया वेक्टर दो डायमेंशन में हम या तो पॉजिटिव लेंगे या तो निगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर, ये बात सुन रहे हैं, ये बात समझ में आ गई बेटा। तो मैंने अभी आपको बताया 2D डायमेंशन में हम एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, या तो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे या तो हम इनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। फिर अगर इसी का दूसरा डायग्राम बनाया जाए, जैसे अगर हम एक रिंग ले लें, ये मैंने क्या लिया था, यहाँ पर आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, या तो यहाँ पर रेक्टेंगल हो सकता है या अथवा अगर भी लिख लेंगे स्क्वायर, यानी या तो आप आयत ले सकते हैं या तो आप वर्ग ले सकते हैं। फिर अगर हमने दूसरा डायग्राम बनाया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और सपोज दैट यहाँ पर एक चपटी रखी हुई है यानी एक रिंग रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक रिंग, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे कि कौन कौन से डायग्राम हमारे 2D डायमेंशन में आते हैं, तो हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस दिन, ये जो रिंग है ये वलय, ये आपकी 2D डायमेंशन में आती है, 3D डायमेंशन में नहीं आती है। तो हमने यहाँ पर एक रिंग बनाई और इस रिंग को कुछ इस प्रकार रख दिया, तो इस रिंग में ये हमारी
पॉजिटिव जेड हो गई, ये हमारा निगेटिव जेड हो गया, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये निगेटिव वाई हो गया, ये प्लस एक्स हो गया और ये माइनस एक्स हो गया। तो देखिए अगर इस चकती की डायरेक्शन निकालें तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो प्लस वाई में हो सकता है या तो माइनस वाई में हो सकता है, बस समझ में आई। और यहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो ये आपकी बाहर की ओर है, यानी कि या तो ये प्लस जेड में हो सकता है या तो माइनस जेड में हो सकता है, एक्स और वाई में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये समतल पृष्ठ जो है ये एक्स वाई के प्लेन में रखा हुआ है, इस प्रकार रखा हुआ है। तो या तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर आउटवर्ड हो सकती है, अंदर की ओर हो सकती है इस चित्र में, या तो इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के ऊपर हो सकती है या तो नीचे हो सकती है। दोनों में से हम कोई भी लिखेंगे और हमारे न्यूमेरिकल में उसकी दिशा सही मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो एक और डायग्राम बना के दिखाते हैं कि 2D डायमेंशन में हम एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। और ये न्यूमेरिकल में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां पर हम लोग दिशाएं नहीं लिखते हैं जब हम एरिया वेक्टर निकालते हैं, ना तो एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस ना जेड एक्सिस में उसका आई गैप जे गैप के गैप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और वहीं पर हमारे न्यूमेरिकल में नंबर कट हो जाते हैं। फिर बाद में आप लोग कहते हैं सर हमने तो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था लेकिन वहां पर हमारे नंबर काट लिए गए हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। तो गलती हम लोगों की होती है कि हम लोग वहां पर पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते हैं अपना, यानी जो हमें पता है हमें उसे संपूर्ण रूप से न्यूमेरिकल में प्रदर्शित भी करना है कि हम इस प्रकार से इसको हल करें, ताकि उस कॉपी चेक करने वाले अध्यापक को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए कि हाँ आपको वास्तव में ये पता है कि ये कैसे निकाला जाएगा, आपने इसको जबरदस्ती नहीं लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? आवाज धीमे आ रही बेटा, अपनी वॉल्यूम बढ़ाइए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए, ये क्लियर हो गया तो और एक और चित्र बना के हम आपको समझा सकते हैं कि उसमें देखिए हमने आपको प्लस जेड माइनस जेड में बता दिया कैसे निकालेंगे। फिर यहाँ पर हमने एक रिंग ली और उसे रखा समतल पृष्ठ को, और यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई। सपोज दैट अगर हम एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, हमने फिर से एक डायग्राम बना लिया, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, बस समझ में आई। और हमने इस बार चित्र सपोज दैट हमने एक्स और वाई को इस प्रकार लिया, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक। तो हमने इस बार जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा हुआ है और इस रेक्टेंगल को इसकी भुजाएं हमने मान ली ए और बी। तो सपोज दैट अगर कोई आपसे पूछे कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर जब आप निकालेंगे तो रेक्टेंगल के लिए एरिया का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला किसके लिए, रेक्टेंगल एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, एल इंटू बी, और एल इंटू बी में हम कोई भी भुजा ले सकते हैं, अगर कोई इनका नाम भी दे दे ए बी सी डी तो हम ए बी इंटू बी सी ले सकते हैं, ए डी इंटू सी डी ले सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक भुजा को हम ले सकते हैं। तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल एल इंटू बी, और एल इंटू बी क्या है, ए इंटू बी। अगर कोई इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन ये बाहर की ओर इनवर्ड या फिर अंदर की ओर, यानी आउटवर्ड या इनवर्ड। तो हम इसे किस में लेंगे, हम इसे वाई एक्सिस में ले सकते हैं, यानी या तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जे कर्व, या फिर अथवा करके लिख सकते हैं ए इंटू बी माइनस जे कर्व, क्योंकि ये y एक्सिस में रखा हुआ है और y एक्सिस में हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं, ये z एक्सिस में रखा हुआ है, तो अगर हम इसे स्क्वायर मान लें, ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा,
और अगर a स्क्वायर है तो अगर इसका वेक्टर a निकालना है तो वेक्टर a के साथ में a स्क्वायर को लिखेंगे और या तो ये प्लस z में हो सकता है या तो माइनस z में, तो इसको हम लिख सकते हैं k tan, या फिर अथवा करके लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल a स्क्वायर माइनस k cap। बात समझ में आई? इसी प्रकार इस डायग्राम में अगर चकती का यानी रिंग का कोई आपसे एरिया पूछ रहा है तो हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, और एरिया ऑफ रिंग यानी सर्कल, सर्कल और रिंग दोनों एक ही बात होती है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर वेक्टर ए अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई और इसकी रेडियस मान ली है हमने स्मॉल आर, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर ये पॉजिटिव एक्सिस में होगा तो यहाँ पे लिया जाएगा जे का, और अगर नेगेटिव एक्सिस में होगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस जे का। इज दैट क्लियर? क्या इतना समझ में आया कि हम एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे अपनी फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में कहीं पर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एरिया वेक्टर निकालने के लिए 2D डायमेंशन में, 2D डायमेंशन में इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि हम किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेंगे। हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं, हम इनवर्ड भी ले सकते हैं। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से इसको समझिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अब सही बेटा आवाज तू बेटा, अब चेक करिए अपने मोबाइल में क्या आवाज सही आ रही है। चलिए आगे देखिए, ये क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? आगे बताएं 3D डायमेंशन में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो 2D डायमेंशन के लिए था, यानी ओपन सरफेस के लिए। अगर प्लेन सरफेस का मतलब होता है खुली सतह, तो खुली सतह के लिए हम आउटवर्ड डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं और इनवर्ड डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड सरफेस होती है, बंद सतहें होती हैं, बंद सतहों में हम अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो उसे हम किस डायरेक्शन में लेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर लोग न्यूमेरिकल में डायरेक्शन गलत लिख के चले आते हैं और वहां पर जीरो नंबर दिया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत हो गई यानी न्यूमेरिकल आपको नहीं आता, उसकी दिशा निकालनी आपको नहीं आती है। तो आगे बताया जाए कि कैसे हम लोग 3D डायमेंशन में, चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा 2D डायमेंशन के लिए। अगर हम 3D डायमेंशन के लिए निकालेंगे एरिया वेक्टर तो हम किस प्रकार निकालेंगे? हम आपके सामने कई डायग्राम बनाएंगे, जैसे क्यूब बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं, स्फीयर यानी ठोस गोला स्फीयर बना सकते हैं, और उसके अतिरिक्त क्या बना सकते हैं हम, सिलेंडर बना सकते हैं, बेलन। तो सबसे पहले देखिए क्यूब बनाएंगे, हमने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब को क्लोज कर दिया, ये यहाँ से क्लोज हो गया और ये यहाँ से क्लोज हो गया, इसको यहाँ मिला देना है, इसको यहाँ मिला देंगे, उसके बाद इसको यहाँ मिला देंगे, ये हमारा बन गया क्यूब। अब अगर कोई आपसे पूछे तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे 3D, यानी 3D डायमेंशन के लिए हम एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया वेक्टर। और याद रखेंगे एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, यानी वह अपनी सतह के सदैव लंबवत निकाला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी तो पृष्ठ के लंबवत, चाहे वो बंद पृष्ठ हो चाहे वो खुला हुआ पृष्ठ हो, तो खुले पृष्ठ को हम क्या कहेंगे 2D कहेंगे और बंद पृष्ठ को हम क्या कहेंगे 3D कहेंगे। तो 3D में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं कि 3D में हम कैसे इसकी डायरेक्शन लेंगे, तो 3D में हमने मान लिया जैसे हमारे पास यहाँ एक क्यूबॉइड है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये इंक का डिब्बा, ये इंक का डिब्बा किस आकार में है, क्यूबॉइड के आकार में है, रेक्टेंगल
एक पृष्ठ इसका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल वाला पृष्ठ क्या बनाता है, क्यूबॉइड बनाता है। अगर स्क्वायर होता तो क्यूब बनाता है। तो सपोज दैट हमने बोर्ड में क्यूब बनाया, लेकिन हमने आपको क्यूबॉइड दिखाया, तो क्यूबॉइड में कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे। एक तो ये सामने का पृष्ठ, एक इसके जस्ट अपोजिट साइड, एक ये अपर साइड का पृष्ठ, तो एक इसके जस्ट नीचे वाला पृष्ठ, और ये साइड वाला पृष्ठ, और इसके साइड वाला पृष्ठ। यानी कितने पृष्ठ हुए? 6 पृष्ठ हुए। तो 6 पृष्ठ में अगर कोई आपसे पूछे, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है, जैसे मैं जहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये हमने इस बॉक्स में लाइन ड्रॉ की, तो अगर कोई पूछे इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो अभी तक हम 2D में इनवर्ड और आउटवर्ड यानी बाहर और अंदर दोनों तरफ एरिया वेक्टर लेते थे। लेकिन जैसे ही क्लोज्ड सरफेस आ जाए, क्या आ जाए? क्लोज्ड सरफेस यानी बंद सतह आ जाए, वो पृष्ठ कैसी हो? बंद हो। यानी जैसे क्यूब या क्यूबॉइड, ये बंद पृष्ठ होती है, चारों तरफ से घिरी हुई होती है। तो इसमें हम जब भी एरिया वेक्टर निकालेंगे, ओनली आउटवर्ड, यहाँ पे लिख लेंगे ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो दिशा होगी एरिया वेक्टर की, वो सदैव बाहर की ओर होगी। यानी अगर इस पृष्ठ में हमसे कोई पूछ रहा है एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। अगर इस पृष्ठ पर कोई पूछ रहा है, तो इसके दो पृष्ठ हैं, एक तो ये हो गया, एक इसके अंदर हो गया। अभी बात समझ आई कि नहीं? एक तो ये इसका बाहर का हिस्सा, एक इसके अंदर का, तो अंदर वाली डायरेक्शन में एरिया वेक्टर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। अब अगर यहाँ कोई पूछ रहा है, तो यहाँ ऊपर की ओर, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। अब अगर कोई नीचे वाले प्रश्न में पूछ रहा है, ये जो सबसे नीचे वाला प्रश्न है, इस नीचे वाले प्रश्न का एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इस साइड वाले का एरिया वेक्टर का कोई पूछ रहा है, तो इस साइड वाले का बाहर की ओर। अब अगर ये पीछे वाला प्रश्न है, तो पीछे वाले प्रश्न को हम लाइन पीछे बनाएंगे, लेकिन हम बोर्ड में नहीं बना सकते, क्योंकि जो पीछे का प्रश्न है भाई, सामने वाले का तो बाहर चला आएगा। भाई ध्यान से देखिए, सामने वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, तो जस्ट इसके पीछे वाले सरफेस का पीछे की ओर होगा एकदम। कहते इसको फिर से देखिए, ये क्यूबॉइड है, तो अगर इस वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर है, तो ऊपर की ओर, इस वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर है, तो जस्ट नीचे की ओर, इस वाले पृष्ठ का बाहर की ओर, और इस वाले पृष्ठ का जस्ट पीछे की ओर। तो मेरे चित्र में ये जो पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, और इसका एरिया वेक्टर पीछे की ओर होगा। अगर कोई इस पृष्ठ का पूछ रहा है, तो इस पृष्ठ का इस दिशा में होगा, और इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा। इज दैट क्लियर? तो क्यूब और क्यूबॉइड में डायरेक्शन निकालनी आ गई आपको एरिया वेक्टर की, तो ये सब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और याद रखिएगा, क्लोज्ड सरफेस में यानी बंद सतहों में एरिया वेक्टर जब हम निकालेंगे, तो हम केवल आउटवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन। साफ साफ लिख दिया, केवल बाहरी दिशा में ही एरिया वेक्टर निकाला जा सकता है। अगर गलती से आपने -i कैप -j कैप -k कैप लगा दिया, तो आपका न्यूमेरिकल वहीं पर गलत हो जाएगा। Is that clear? 2D में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है डायरेक्शन, लेकिन 3D में हमेशा क्या होगी? धनात्मक, पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी, निगेटिव डायरेक्शन होगी ही नहीं। बस समझ में आई? कितना सामने आ गया? क्लियर? कमेंट करके बताइए, क्या इतना क्लियर हो गया? और डायग्राम बना के अभी मैं बताऊंगा आपको। ये तो मैंने अभी एक डायग्राम बताया आपको कि क्यूब में कैसे निकालेंगे, अभी सिलेंडर में बताएंगे, स्फीयर में बताएंगे कि स्फीयर में डायरेक्शन कहाँ हो सकती है, कितनी हो सकती है। जैसे इसमें क्यूब हो या क्यूबॉइड, तो क्यूब या क्यूबॉइड में कितनी डायरेक्शन हो सकती है? 6 डायरेक्शन होंगी, और वो 6 की 6 आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। फिर हम दूसरा डायग्राम ले रहे हैं, तो हमने दूसरा डायग्राम लिया, यहाँ पे सिलेंडर ले लिया हमने, ये हमने सिलेंडर बना लिया और ये ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, ये इसका ऊपरी पृष्ठ है, तो हमने इसको क्रॉस सेक्शन से दिखा दिया। ये इसका डाउनवर्ड एरिया है, तो हमने इसको क्रॉस डायरेक्शन में दिखा दिया। तो सपोज दैट अगर कोई आपसे पूछे कि इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, ठीक। और अगर इस पृष्ठ का कोई पूछे तो नीचे की ओर, और अगर कोई पूछे साइड वाले का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर। और अगर कोई पूछे इसकी डायरेक्शन, तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर। तो सिलेंडर में कितने एरिया वेक्टर हो सकते हैं? 4 एरिया वेक्टर हो सकते हैं।
क्यूब या क्यूबॉइड में, तो यहां पे लिखते जाइए क्यूब और क्यूबॉइड, इसमें कितने एरिया वेक्टर होंगे, 6 एरिया वेक्टर होंगे, बात समझ में आई। और अगर कोई आपसे पूछे सिलेंडर में कितने एरिया वेक्टर होंगे, तो 4 एरिया वेक्टर होंगे, क्यूब या क्यूबॉइड में 6 होंगे, और ये सब क्लोज्ड सरफेस है, ठीक। और अगर कोई पूछे आपसे, जैसे हमने स्फीयर बना लिया, तो हमने यहाँ पे एक स्फीयर बना लिया, ठोस गोला बना लिया, तो ये हमारा हो गया ठोस गोला, और ठोस गोला भी हमारा गेंद, देखिए क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल जो होती है वो स्फीयर होती है, या फिर बचपन में हमने कंचे खेले हैं, गोलियां कांच की गोलियां खेली हैं, वो भी हमारी स्फीयर होती हैं। तो स्फीयर हमारा 3D डायमेंशन में आता है, 2D डायमेंशन में नहीं आता। तो अगर कोई पूछे स्फीयर में कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, तो स्फीयर में सिर्फ 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक तो इस वाले पृष्ठ का बाहर की ओर और इस वाले पृष्ठ का अंदर की ओर, यानी अगर हम चित्र में दिखाएंगे तो हमने एक को ऊपर दिखा दिया और एक को नीचे दिखा दिया, तो जो हम नीचे दिखाएंगे वो पीछे वाले पृष्ठ के लिए, और जो हम ऊपर दिखा रहे हैं वो, यानी इन दोनों डायरेक्शन को आप कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर 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 भी, लेकिन डायरेक्शन बहुत सारे हमने बना दी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्फीयर में केवल 2 ही डायरेक्शन होती है, यानी एक इस वाले पृष्ठ की ओर और एक इस वाले, तो हम बॉल घुमाएंगे तो वाला पृष्ठ ऊपर चला जाएगा, तो अब ऊपर की हो गई, नीचे की हो गई, फिर और बॉल घुमाएंगे तो ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, यानी एरिया वेक्टर कितने हुए, एरिया वेक्टर तो सिर्फ 2 ही है ना, बॉल को औपचारिक इतनी बार घुमाइए आप, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी घुमाइए, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सिर्फ 2 डायरेक्शन में, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन होंगी, बात समझ में आई, क्लियर। तो स्फीयर ये जो हमारा है, ये स्फीयर, और स्फीयर में कितने होते हैं एरिया वेक्टर, 2। ये हमारा सिलेंडर है, और सिलेंडर में कितने एरिया वेक्टर होते हैं, 4। ये हमारा क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, क्यूब और क्यूबॉइड के लिए मैंने लिख दिया कितने, 6, यहाँ 4 और यहाँ 2। इज दैट क्लियर, एरिया वेक्टर में कोई कंफ्यूजन, एरिया वेक्टर की परिभाषा पूछी जाती, तो ये एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश सदैव उस पृष्ठ के लंबवत होती है, इसकी दिशा किसी भी पृष्ठ के, किसी भी पृष्ठ के, बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी पृष्ठ के लंबवत ही होती है। अगर वो खुला पृष्ठ है तो हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे, अगर बंद पृष्ठ है तो हम सिर्फ बाहर की ओर लेंगे, लेकिन लेंगे तो हमेशा लंबवत ही लेंगे, कभी समांतर नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया बेटा, सिलेंडर में आगे पीछे एरिया वेक्टर क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर, ये जो इंक की बॉटल है, ये सिलेंडर है, आप इसे इधर घुमाओगे तो ये एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और ये एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, आप फिर से इसे घुमाओगे तो ये एरिया वेक्टर सामने आ गया, ये एरिया वेक्टर पीछे चला गया, चाहे जितनी बार घुमाइए तो इसकी पृष्ठ बदल रही है क्या, और जब पृष्ठ नहीं बदलेगी तो एरिया वेक्टर बदलेगा क्या, आप इस पृष्ठ को चाहे जितनी बार घुमाइए, क्या इसका ऊपर वाला पृष्ठ बदल रहा है क्या, तो ऊपर वाले डायरेक्शन सदैव ऊपर ही रहेगी जीवन भर, लाइफ टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है। अब नीचे वाली डायरेक्शन की, यानी जो नीचे का पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा नीचे, आप इसको चाहे जैसे घुमाते रहिए, क्या इसका पृष्ठ बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा, तो इस वाले पृष्ठ की इधर, इस वाले पृष्ठ की इधर, नीचे वाले की नीचे, ऊपर वाले की ऊपर, लाइफ टाइम कभी बदलने वाली नहीं है, यानी एरिया वेक्टर कन्फर्म हो गया, अब कभी चेंज होना ही नहीं है। स्फीयर में बॉल को चाहे जितना घुमाते रहिए, जब आपने क्रिकेट की बॉल देखी है, तो क्रिकेट की बॉल जो होती है वो लेजर बॉल देखा होगा, बीच से सिली हुई होती है, तो जब आप गेंद को घुमाओगे तो उसमें 2 ही पृष्ठ तो हैं, एक बार इधर से सिला गया, एक बार उधर से सिला गया, तो गेंद को धागों को आपस में खोल लीजिए तो बॉल 2 पृष्ठ में बढ़ जाएगी, यानी एक इधर का पृष्ठ हो गया, एक इधर का पृष्ठ हो गया, आप गेंद को आप चाहे जितनी बार घुमाइए, ये वाली डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा ऊपर हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, और घुमाओगे थोड़ा तिरछी हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, जेड की एक्सिस में हो जाएगी, लेकिन एरिया वेक्टर चेंज नहीं होने वाला। इसीलिए स्फीयर में सिर्फ कितने वेक्टर होते हैं, 2, क्यूबॉइड में 6, क्यूब में 6, सिलेंडर में 4, मतलब ये पृष्ठ चाहे जितना घुमाओ बदलने वाला नहीं है, समझ में आ गया। समझ में आ गया बेटा,
आगे चलें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जो भी हो। गुड मॉर्निंग विवेक जी। क्यूब में सभी साइड बराबर होती है लेकिन सभी में पृष्ठ होता है। शेर बहादुर जी, यानी कि हम आपका डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे, ठीक, आपकी जिस आईडी से बनी हुई है। तो शेर बहादुर जी, आप कभी भी क्यूब या क्यूबाइड को देखिए, भले ही उसके पृष्ठ बराबर होते हैं, यानी उसकी भुजाएं ए ए ए क्यूब में ए होंगी, लेकिन जो क्यूबाइड होता है उसमें अलग अलग होंगी। तो क्यूबाइड और क्यूब में पृष्ठ कितने होते हैं? 6। तो जितने पृष्ठ होंगे उतने ही उसके एरिया वेक्टर होंगे। तो क्यूब में भी 6 पृष्ठ होंगे और क्यूबाइड में भी 6 पृष्ठ होंगे। जैसे मेरे पास क्यूब नहीं है, मेरे पास क्यूबाइड है, ये जो डिबिया दिख रही है आपको, ये क्यूबाइड की जैसी है। तो क्यूब और क्यूबाइड में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ का मतलब है 6 एरिया वेक्टर। बात समझ में आ गई शेर बहादुर जी? 6 आयत बनेंगे और 6 वर्ग बनेंगे। तो जितने आयत बनेंगे उतने ही उसके एरिया वेक्टर होंगे, और जितने वर्ग बनेंगे उतने ही उसके एरिया वेक्टर होंगे। तो अगर क्यूब है तो हमारे पास 6 वर्ग है, और अगर क्यूबाइड है तो हमारे पास 6 आयत बनेंगे। तो जितने आयत उतने पृष्ठ, जितने वर्ग उतने पृष्ठ, और जितने पृष्ठ उतने ही एरिया वेक्टर भी होंगे। बात समझ में आई? आगे शेर बहादुर जी, चलिए आगे पढ़ाया जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चलें, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही आसान परिभाषा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही जानने हम लोग आए थे। एरिया वेक्टर तो केवल हमारा न्यूमेरिकल में काम आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगी क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बोर्ड में देखिएगा। किसी पृष्ठ, किसी पृष्ठ की सतह से लंबवत, किसी पृष्ठ की सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पृष्ठ से होकर गुजरेगी वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। असंज्ञाई, किसी पृष्ठ की सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर कोई पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताइए ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ चलती है? पॉजिटिव से निगेटिव, कहाँ से कहाँ चलती है? पॉजिटिव से निगेटिव, कहाँ से कहाँ चलती है? पॉजिटिव से निगेटिव। मैंने आपको कल बताया था, सही बताया, कहां से कहां चलती हैं? पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव। याद है सबको क्या ये सब? इसके पहले के लेक्चर्स के जितने भी डिफिनीशंस हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं, वो सभी को याद है? चलिए अब आगे देखिए, डायग्राम से समझेंगे कि इसकी परिभाषा को किस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने एक पृष्ठ बना लिया, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम गुजार तो देंगे, लेकिन वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में बोलते हैं
वैद्युत फ्लक्स, और ये वैद्युत फ्लक्स डिपेंड कैसे करेगा? तो यहाँ से मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस प्रकार जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, तो ये हमारा वेक्टर ई हो गया। अब ये इसके लंबवत जा रही है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, पकड़ में ये ई है, ये सभी वेक्टर ई, वेक्टर ई, वेक्टर ई, वेक्टर ई, और ये सभी इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। क्या जा रही है क्रॉस करते हुए? नहीं जा रही। तो अगर क्रॉस करते हुए नहीं जा रही है तो इनके बीच का जो एंगल है कैसे बनेगा? इनके बीच का यानी कि इसी दिशा में पृष्ठ रखा हुआ है और इसी दिशा में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी गुजर रही है, तो दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी जीरो है। और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? लंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहां पर जो है वो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच जो कोण है, वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों के बीच का कोण जीरो है। तो अगर जीरो होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। अगर इनके बीच का एंगल जीरो है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। अब क्यों जीरो है और जीरो होने पर होगा क्या, वो अभी आगे हम आपको तीन चित्र बनाने के बाद बताएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब अगर हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, ऐसे इस प्रकार रखा हुआ है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं वो इस बार कुछ इस प्रकार गुजर रही है कि हमारे एरिया वेक्टर के 90 डिग्री पर रहे। तो सपोज दैट यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजर रही हैं वो कुछ इस प्रकार है, ऐसे यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो इस बार हमारे वेक्टर ए और वेक्टर ए ई के बीच का जो एंगल है वो लगभग कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यानी इस बार ये हमारी परिभाषा को परिभाषित कर रहा है कि किसी पृष्ठ की सतह से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी है? 4 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी है? 5 है, लेकिन इनके बीच का एंगल 0 है और इनके बीच का एंगल 90 है। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? क्यों बेटा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और cos 0 की वैल्यू? cos 90 की तुमने 0 बताया, cos 0 की 1 बताया, sin 90 की? क्यों बेटा, सभी लोगों को पता है cos 90 और sin 90, cos 0 और sin 0 इनकी वैल्यू क्या होती है? sin 0 की वैल्यू cos 90 की। सबसे पहले बताइए cos 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 शेर बहादुर सिंह 1 बता रहे हैं। कॉस 90 की क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया और इस बार जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार जा रही हैं। तो जो हमारा एरिया वेक्टर है वो हमारा एरिया वेक्टर ये है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, इस बार 90 नहीं बन रहा है। तो अगर ये एरिया वेक्टर थीटा है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के यानी वेक्टर डी है। अब इसके जिस पृष्ठ से होकर के यह रेखा गुजर रही है हम उसको एक सूक्ष्म घटक मान सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये इस पृष्ठ से गुजर रही है, ये इस पृष्ठ से गुजर रही है, इस पृष्ठ से, और ये, तो ये सब इसके सूक्ष्म घटक हैं, वेक्टर डी ए, वेक्टर डी ए, वेक्टर डी ए।
और ये भी वेक्टर डी ए, और अगर इनके बीच थीटा एंगल बन रहा है तो पाई ई इज इक्वल वेक्टर हट जाएगा और उसको लिख सकते हैं हम बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान जो भी होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा कि यहाँ पर प्रबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अगर थीटा हमारा मान लीजिए 30 डिग्री हुआ तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, और अगर थीटा हमारा 0 हुआ तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। और अगर थीटा का मान मैक्सिमम हो गया 90 हो गया तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस परिभाषा को याद रखना है, और ध्यान से ये भी याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी यानी जितनी ज्यादा, जैसे सपोज दैट इनके बीच एंगल 0 है और ये परपेंडिकुलर जा रही है, देखिए पृष्ठ ध्यान से देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, यहाँ पर जो हमारा पृष्ठ है वो उसकी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है 90, और ये यहाँ से जो इसकी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की वो अंदर की ओर और बाहर की ओर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है तो कॉस 0, और यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन है वो इनके बीच में थोड़ी सी डिफर कर रही है, ना तो 90 बना रही ना तो 0 बना रही, यानी एंगल थीटा बना रहा है। अब थीटा का मान जितना होगा 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 22.5 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो वहां पर कॉस का मान उसके अनुसार हम रखेंगे। तो बात समझ में आ गई कहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम होगा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने कोई बड़ा एरिया ले लिया, ये हमने यहाँ पे बड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया और इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजार दी, मान लीजिए यहाँ से 20 जा रही है, 25 जा रही है, तो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। सपोज दैट हमारा एरिया घटा दिया गया, तो जब हमारा एरिया घट जाएगा तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स कम गुजरेंगी, तो जब कम गुजरेंगी तो हमारा वैद्युत फ्लक्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा, और जितना बड़ा पृष्ठ होगा, ये क्या लिखा है किसी पृष्ठ की सतह से, तो जितना बड़ा पृष्ठ होगा, अगर पृष्ठ की सतह बहुत बड़ी है तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी, यानी कि दोनों बातों पर निर्भर करता है, और साथ में किस पर निर्भर करता है थीटा पर भी निर्भर करता है। अगर थीटा का मान मैक्सिमम हो जाएगा एरिया वेक्टर और किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। बात समझ में आ गई? तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर, दूसरा एरिया वेक्टर पर, और तीसरा थीटा पर, यानी बिटवीन द एंगल ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल ये दोनों सदिश राशि हैं, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इसकी डायरेक्शन को निकालना इतना आसान नहीं होता, यानी इसमें दिशा तो होती है और उसमें भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसका परिमाण निश्चित नहीं होता, यानी मैग्नीट्यूड कंफर्म नहीं होता। हम किसी भी क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपने जब स्केलर क्वांटिटी पढ़ी होगी तो दोनों में से आप एक ही चीज ज्ञात कर सकते हैं, या तो दिशा ज्ञात कर सकते हैं या तो परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें मैग्नीट्यूड कंफर्म नहीं होता, इसीलिए इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप 2D में और 3D में अलग अलग प्रकार से। अगर 2D है तो आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे, और अगर 3D है तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? क्या इतना समझ में आ गया बेटा? चलिए आज यहीं पर क्लास को खत्म किया जाता है, क्योंकि अगर अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, कल इसी के आगे पढ़ाया जाएगा।